हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन, बहुत बहुत मुबारक हो रक्षाबंधन की। धन्यवाद। सभी भाई बहनों के प्यार ऐसे ही बने रहें। और उसी मौके पर हमने बहुत ही अच्छा टेस्टी, बिना गैस जलाए बहुत ही अच्छा और कलरफुल कलाकंद बनाया है। बहुत ही अच्छा है। एक बार आप लोग ज़रूर अपने रक्षाबंधन पर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है और मार्केट से एकदम से सेफ़ और सुरक्षित होता है। एक बार ज़रूर अपने भाई के लिए ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाइएगा स्वीट। और देखिए कितना ही सुंदर दिख रहा, कलरफुल हमने बनाया है। और इसके लिए हमने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको घिस के और उसके बाद से उसको घिसनी जार से घिस दिया। और ये हमने 3 चम्मच चीनी और उसमें 3-4 इलायची और थोड़ी सी काजू और बादाम को हमने अच्छी तरह से ये मिक्सी जार में पीस लिया है। और इसमें हमने ये एक बर्तन में लेके एक कटोरी ये दूध का पाउडर और ये जो घिसा हुआ ये पनीर और ये पीसा हुआ जो चीनी और ड्राई फ्रूट था ना, एक साथ इनको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस पनीर की मॉइस्चर से ही अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है। और आप अच्छे तरह से मुलायम हाथों से इसको मिक्स करके एक अच्छी तरह से टो बनाना है, जैसे आटा के टो बनता है। और चारों साइड से मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से ये करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए इसको हम क्या करेंगे ना, वाइट भी कलाकंद बनता है, थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए अगर आपके पास केसर के धागा है तो केसर का धागा इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो थोड़ी सी आप क्या कीजिए कि इसको देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे और एक भाग में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी कलरफुल के लिए हमने ये फूड कलर डालेंगे, थोड़ी सी येलो कलर। और बस एकदम चिटकी भर डालने के बाद से ही इसका कलर आ जाता है। और इसको अलग से मिक्स करेंगे और वाइट वाला अलग से मिक्स करेंगे। और एक बर्तन लेंगे, कटोरा हो या केक टिन हो या जो भी हो, उसमें आप एक वाइट पेपर डालिएगा उसको कट करके गोल सा। और उसके बाद नहीं तो बटर पेपर है तो बटर पेपर भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर से ये थोड़ा सा घी ग्रीस कर दीजिएगा। थोड़ा सा घी लगाने से क्या होगा कि अंदर से चिपकेगा नहीं। और ये घी लगाने के बाद से क्या करेंगे, पहले वाइट वाला जो पार्ट है ना उसको पहले रखेंगे। और रखने के बाद से इसको छोटी सी कटोरी के तलवे से ना अच्छे से इसको फ्लेट करेंगे, मैंने अच्छे से फैलाएंगे इसको गोल, अच्छे से फैलाते हुए थोड़ा सा उसके कटोरी के तलवे में थोड़ा सा ये घी लगा के, तो उसके बाद से हम इसको अच्छे से इसको फैलाएंगे और गोल एकदम अच्छे से बढ़िया से फैलाते हुए इसको देखिए कितना चिकना अच्छे से अपने आप फैल जाता है। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी एकदम से कलाकंद बनता है, बहुत अच्छा एकदम से फ्रेश और घर का बनाया हुआ स्वच्छ होता है, शुद्ध भी होता है। इसीलिए आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए चम्मच से इसको अच्छे तरह से मुलायम कीजिए और चिकना कीजिए, उसके बाद से येलो वाला जो पार्ट है ना उसके ऊपर से रखेंगे और उसको भी अच्छी तरह से, ये देखिए कितना अच्छा से चिकना दिख रहा है ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको जो येलो वाला पार्ट है ना उसको भी इसके ऊपर रख के और अच्छी तरह से फैला देंगे चम्मच से, एकदम से ये करके मुलायम करके और हाथों से थोड़ा चिकना कर देंगे। और चिकना करके इसको हम 2 से 3 घंटे बस इसको हम फ्रिज में रखेंगे। आप इसको ढक के और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा क्योंकि पानी नहीं जाए। और उसके बाद से 2-3 घंटे के बाद से आप जब निकालेंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से एकदम टाइटली और बढ़िया बन जाता है, अपने आप से निकल जाता है। और ये जो पेपर है उसको हम हटा देंगे और हटाने के बाद से हम वाइट वाला साइड से नहीं येलो वाला साइड से हम इसको ये कर देंगे। और पीछे से आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में कट कर लीजिए। हम थोड़ा सा फ्लावर शेप में इसको कट किए हैं और बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको गार्निश करने के लिए अगर ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना है तो थोड़ी सी आप पिस्ता बादाम जो भी है आपके पास थोड़ी सी इसको उसके ऊपर से डाल दीजिए, या काजू भी एक एक रख दीजिए। बस अच्छे से एकदम से कलाकंद बन के रेडी हो जाता है।
और बहुत ही टेस्टी लगता है इस रक्षाबंधन। आप ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाइए और बना के एकदम से अपने भाई को खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खुश हो जाएंगे आपके हाथों से बने हुए रेसिपी खा के और ये स्वीट खा के। और अच्छे से एक बार सभी बहनों और भाइयों को तहे दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए, थैंक यू सो मच ऑल बहनों ऑल भाइयों।